अब देखिए आउटलुक की हम ना आज तीसरी वीडियो लेके आए, इसके अंदर आज हम सीखेंगे कि आउटलुक में जो ऑप्शन है उसको किस तरह से हैंडल करेंगे, कैसे हम आउटलुक के अंदर जाते हैं। आउटलुक के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो टॉपिक स्टार्ट होता है एक्स, जब आप न्यू मेल क्रिएट करते हो तो उसके अंदर आते हैं ऑप्शन। ऑप्शन में जैसे आप चाहते हो कि मैं अगर किसी को मेल भेज रहा हूँ तो मेरे पास एक डिलीवरी मैसेज आ जाए कि उसको मेल मिल गई, जैसे आप लोग पोस्ट ऑफिस से कुछ भेजते हो तो उसमें आपको क्या होता है कि ना उस व्यक्ति के सिग्नेचर आ जाएंगे जिसको ये रिसीव्ड हुई है, तो वो आपको सिग्नेचर आ जाते हैं। वैसे मैं यहाँ चाहता हूँ कि अगर मैं किसी को मेल करूँ तो उसके मुझे रिक्वेस्ट आ जाए कि इसने मेल हमारी डिलीवरी होगी, तो आप यहाँ पर इस टॉपिक को ऑन करो, जैसे ही उसके पास मेल जाएगी तो एक पॉपअप आएगा, वो जैसे ही पॉपअप को यस करेगा तो हमें पता चल जाएगा कि इसने मेल को सिलेक्ट कर लिया है या देख लिया है। दूसरा उसके पास आता है रिक्वेस्ट, जैसे वो रीड करेगा तो उसके दो टॉपिक आएंगे कि आपको मुझे बताना है कि मैं ये पढ़ रहा हूँ या नहीं, तो आप इस पर क्लिक कर दोगे तो उसके पास एक रिक्वेस्ट जाएगी, अगर वो यस करेगा तो आपके पास रिप्लाई आएगा, अगर यस नहीं करेगा तो आपके पास रिप्लाई नहीं आएगा वो, ठीक है। जैसे मैं अभी यहाँ करके दिखाता हूँ, मेरे पास दो अकाउंट है, मैंने बोला बीजी डॉट शाहरुख को मेल करनी है, नहीं एडीवी एक्सेल, देन यहाँ पर मैं कुछ सब्जेक्ट में डाल देता हूँ, और इसको सेंड करता हूँ नॉर्मल, आ गया सेंड के अंदर और मैं इसको सेंड करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ जाऊँगा, इनबॉक्स अभी कोई नहीं आई, सेंड रिसीव पे क्लिक करूँगा, मैंने इधर से ही भेजी है, फिर मुझे इधर देख एडीवी भेजी है ना, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, दो अकाउंट हो गए ना इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। मैं क्या करता हूँ खाली उस वाले से ही क्रिएट करके चलता हूँ, ठीक है। तो इस टॉपिक से क्या होगा, अनेबल करने से बेनिफिट ये मिलेगा, इस पर क्लिक करने में ही प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि तो दो अकाउंट क्रिएट हो गए ना और हमारा आउटलुक अभी ये है ही नहीं उस तरह। ठीक है तो आप यहां से करेंगे, अब क्या करना है, अब मुझे न्यू मेल पे जाता हूँ तो इस टॉपिक से ऑप्शन में जाके अनेबल करने से क्या होता है कि आपको एक सिग्नेचर या एक रिसीव मिल जाएगी कि उसके पास मेल डिलीवर हो गई, ठीक है। उसके बाद आता है डिले डिलीवरी, जैसे मैं चाहता हूँ कि मेल अभी कंपोज कर दूँ लेकिन मेल 3 घंटे बाद जाए या 4 घंटे बाद जाए या कल जाए, तो आप यहाँ पर जाके डिले डिलीवरी कर सकते हैं, इस पर क्लिक कीजिए। आप यहाँ पर लिखा है कि कब कितने बजे से पहले ना डिलीवर हो, मैंने कहा कि आज शाम को आपको 6 बजे डिलीवरी करना है, आप मैसेज यहाँ तैयार करके रख दो, देन ये शाम को 6 बजे ऑटोमेटिक क्या कर देगा मेल, 6 बजे से पहले कोई मेल नहीं करेगा, जैसे मैंने बोला इसको मेल करनी है, देन जो आपको डालना है सब्जेक्ट को डाल दीजिए, ठीक है, एंड देन आप सेंड कर दोगे तो क्या होगा आपके पास कि अब 6 बजे मेल जाएगी, आपके इनबॉक्स में पड़ी है लेकिन ये कब निकलेगी आपके पास से, शाम को 6 बजे, ठीक है। तो आप यहां पर जाके अपनी मेल को कंपोज कर सकते हैं, तो इस तरह से जैसे आप चाहते हो कि मेल अभी बना लूं लेकिन शाम को जाए, तो यहाँ से आप कर सकते हैं डिले डिलीवरी। देन उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है वोटिंग बटन का, जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ कि इसमें मैं पार्टी उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोग इसमें आओगे या नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे पता चले कौन कौन आएगा और कौन कौन नहीं आएगा, तो हम किसकी मदद लेते हैं, यूजिंग वोटिंग बटन की। जैसे मैंने बोला इस
देन अगर मैं यहाँ पर इनको सेंड करूंगा तो इनके पास दो ऑप्शन जाएंगे, कैसे? मैं कहूँगा येस और नो का बटन जाए, जो जो आना चाहते हैं वो बता दें और जो नहीं आना चाहते वो बता दें। तो आप यहाँ पर जाओगे तो आप कैसे उनके पास जैसे ही मेल जाएगी उनके दो टॉपिक आएंगे येस और नो का। जैसे मैं बोल देता हूँ मुझे इनको मेल करनी है, तो मैंने इनका ही नाम डाल दिया एडीवी वाले का, देन यहाँ पर बोल दिया पार्टी, ठीक है। एंड देन जैसे ही मैं सेंड करूंगा तो उनके पास क्या होगा, एक ऑप्शन आएगा जिसमें वो येस और नो का बटन आएगा, जैसे ही वो क्लिक करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि ये पार्टी में आना चाहते हैं और नहीं आना चाहते। तो आप इसकी मदद से ये भी कर सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर बस आप क्या येस नो कर सकते हो, इसके अंदर आपके बहुत सारे टॉपिक होते हैं। क्या टॉपिक होते हैं कि जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हो कि येस और नो है या रिजेक्ट है। तो मैंने बोला नहीं, मेरे पास ऑप्शन है कि पार्टी कब का रखनी है, मैंने बोला 15 रखनी है पार्टी, 16 रखनी है। तो आप यहाँ से अपनी मर्जी से आप बना सकते हैं कि 17 को पार्टी रखनी है, देन ओके करोगे तो आपके वहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के आएगी जिसमें वो सिलेक्ट करेगा कि मुझे पार्टी 15 को सिलेक्ट करनी है, 16 को या 17 को। जिसमें लोग ज़्यादा होंगे उस दिन हम पार्टी डिसाइड करेंगे, ठीक है। अब बात यह है कि अगर उन्होंने येस पे क्लिक करा और अगर मैं मैनेजर हूँ तो मेरे पास तो दिन में कम से कम 500 मेल आ जाएगी अगर मैं पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। तो उस कंडीशन में चाहता हूँ कि मेरे पास मेल ना आए, मेरे पास असिस्टेंट के पास मेल जाए। तो उसके पास आप यहाँ देखोगे डायरेक्ट रिप्लाई, तो आप इस पे जाओगे कि जो मेल आए वो मैनेजर को ना आके इसको आए, तो यहाँ पर उनका नाम डाल दोगे जिसको आपको मेल चाहते, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, मेल किसी उसको नहीं आएगी, उसके असिस्टेंट को आएगी। आप ये भी कर सकते हैं। तो देखो इसी के अंदर आपके पास यूजिंग वोटिंग बटन था, बिफोर ड्रेवरी था, ठीक है। तो आप यहाँ से सारे टॉपिक को एनेबल करने से कर सकते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट डिलीवरी रिसीव का भी था, रीडिंग का था, तो सारा आपका एक ही पॉपअप के अंदर है, ठीक है। तो देखिए कितना बेनिफिट हो गया इससे, आपको सामने वाले जज कर सकते हो कि कौन कौन पार्टी में आ रहा है, कौन कौन पार्टी में नहीं आ रहा। तो इस तरह से आप मेल में बहुत चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आउटलुक के जरिए, इसलिए इतना पॉपुलर है ये, ठीक है। अगर कभी कभी आपको जरूरत पड़ती है कि आप किसी को मेल करना चाहते हो लेकिन मेल शाम को 5 बजे ही करना है, तो अभी आप कंपोज करके रख दो, जैसे ही शाम को 5 बजेंगे ये अपने आप ऑटोमेटिक क्या कर देगा, आपका मेल कर देगा। देन उसके बाद इसके अंदर बहुत सारे और टॉपिक्स होते हैं। इसके बाद आता है अगर मुझे यहाँ पर खुद का एक फोल्डर क्रिएट करना है, तो आप जाओगे फोल्डर के अंदर और जो भी आपको फोल्डर क्रिएट करना है देन उसका नाम रखिए, मैंने बोल दिया सेल, ठीक है। और किसके अंदर रखना है तो आप बता सकते हो कि मुझे इसके अंदर रखना है, ठीक है, मैंने बोला इसके अंदर रखना है। तो आपको जहाँ भी रखना है आप उसके अंदर रख सकते हो। मैं चाहता हूँ बीजी शाहरुख के अंदर इनबॉक्स के अंदर रखना, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए मेरा इसके अंदर एक बन के आ गया जो अभी ब्लैंक है। मैं चाहता हूँ इसके अंदर मेरी इंपॉर्टेंट मेल जाए, तो मैं इस पर जाऊँगा इनबॉक्स पर या सेंड पर, ठीक है, और यहाँ पर मेल पर क्लिक कर दूंगा, जो मेरी इंपॉर्टेंट मेल होगी वो सारी आ जाएगी, ठीक है। इसके अंदर अभी कोई मेल नहीं आई है, ठीक है। देन उसके बाद बहुत सी जगह ना क्या होता है, यहाँ पर एक सर्चिंग बटन होता है, सर्चिंग फोल्डर होता है। सर्चिंग फोल्डर क्या करता है, मैंने कहा कि अगर मेरे पास इस नाम की कोई भी मेल आती है तो किसके अंदर चले जाए, इस वाले फोल्डर के अंदर चले जाए। जैसे रोज मेरे पास डाटा के नाम से एक फाइल आती है, मैं चाहता हूँ उसको एक सेपरेट फोल्डर के अंदर रखना चाहता हूँ कि मुझे बार बार अलग ना करना पड़े, ऑटोमेटिक वो अलग हो जाए। तो आप यहाँ पर किसकी मदद लोगे, न्यू सर्च फोल्डर की। आप न्यू सर्च फोल्डर के अंदर जाओगे, यहाँ से कौन सी फोल्डर, मैंने बोला इम्पोर्टेंट मेल, जो भी मेरी इंपॉर्टेंट मेल है वो, देन जैसे ही ओके करोगे कहाँ पर आनी चाहिए, मैंने बोला बीजी रोड शाहरुख के अंदर, ठीक है, मैंने बोल दिया अनरीड मेल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, एक आपका सर्च फोल्डर बन गया। अब जो भी यहाँ पर आपके पास मेल आएगी ऑटोमेटिक किसमें जाएगी, इसके अंदर इंपॉर्टेंट मेल। अभी ये कन्फिगर नहीं हुआ, अब दोबारा जाता हूँ और मैं इसको दोबारा कन्फिगर करता हूँ। नहीं तो इसके अंदर कस्टमाइज का भी आता है कि कस्टमाइज आप फोल्डर, नहीं तो यहाँ पर दो टॉपिक बन के आते हैं जिसके अंदर लिखा होता है कि स्पेसिफाई वर्ड या स्पेसिफाई मेंबर, तो आउटलुक 2016 में नहीं आ रहा इसके अंदर, ठीक है। तो आप इस तरह से अपने पास को अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, तो इसलिए आउटलुक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो रहा है। दूसरा बात, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आपके होम के अंदर रूल्स आते हैं कि अपने हिसाब से आप यहाँ पर रूल क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, आप रूल के अंदर जाओगे और न्यू रूल के अंदर जाते हैं,
अब यहाँ पर न्यू रूल भी क्रिएट नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो गया, क्या हो सकता है हमने एक बार में दो आउटलुक कन्फिगर कर दिया इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, वरना वैसे तो प्रॉब्लम नहीं आती है लेकिन अभी आ रही है। नहीं आ रहा।